दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल अलाउ कर दिया है फॉर अप टू 1 जून, यानी 1 जून तक के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं। इन 5 कंडीशंस को इम्पोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल अलाउ किया है, जिसमें सबसे पहला है कि सीएम को पर्सनल बेल बॉन्ड भरना होगा 50,000 रुपए तक का। दूसरा, वो सीएम ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरा, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते हैं। चौथा, विटनेसेस से नहीं मिल सकते हैं। और पांचवा एंड लास्ट, कि वो इस केस के रिगार्ड में कहीं कमेंट पास नहीं कर सकते। क्या है इंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट? अगर आपने रेगुलर बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर रखा है कोर्ट में और वो ऑलरेडी पेंडिंग में है, यानी किसी रीजन की वजह से कोर्ट में आपके उस रेगुलर बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो पाई है और कोर्ट ने एक डेट फिक्स कर दिया है किस डेट पर फाइनल हियरिंग होगी आपके उस रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर, तो जिस दिन आपने रेगुलर बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल किया था और जो डेट फाइनल हियरिंग के लिए फिक्स किया गया है, उस बीच आप इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इंटरिम बेल एप्लीकेशन बेसिकली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फाइल किया जाता है। इंटरिम बेल को हम टेम्पोररी बेल भी कहते हैं। और जिन ग्राउंड्स को आपने इंटरिम बेल में मेंशन किया है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड्स आपने मेंशन किया है वो जस्ट एंड प्रॉपर है और आपको इंटरिम बेल ग्रांट करना चाहिए, तो कोर्ट आपको इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती है। जब तक आपको फाइनल हियरिंग के लिए सुन नहीं लिया जाता है आपके रेगुलर बेल पर या एंटीसिपेटरी बेल पर, तो इसलिए इंटरिम बेल को टेम्पररी बेल भी कहते हैं और ये यूजुअली 15 डेज या 30 डेज के लिए ग्रांट किया जाता है। तो ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए, लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर कंप्लीट लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं।